जी अस्सलाम वालेकुम, हाय व्यूअर्स, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट यू। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो आज मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होता क्या है और ये क्यों अलाट किया जाता है। लेकिन स्क्रीन की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, जो सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट है ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट आप समझ लें ये है। उसकी वजह ये है कि सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर अगर जिनके पास सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट ना हो तो जब भी वो किसी भी फिर्म में अटैचमेंट देते हैं या अपनी फिर्म रजिस्टर्ड करवाते हैं या किसी और की कंपनी या फिर्म के लिए रजिस्ट्रेशन देते हैं तो उसको सिर्फ वो कोड अलाट किए जाते हैं जो उसके जो है ना इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से रिलेटेड होते हैं। जैसा कि सिविल इंजीनियर है तो सिविल इंजीनियर को सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के ही कोड अलाट किए जाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर को मैकेनिकल इंजीनियर के ही कोड अलाट किए जाते हैं। सेम इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोड अलाट किए जाते हैं। लेकिन जिसके पास सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट है चाहे वो जो मर्जी डिसिप्लिन का हो, जिस मर्जी डिसिप्लिन का हो, वो जब भी सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट के थ्रू किसी को जो है ना किसी भी कंपनी में अटैचमेंट देता है या रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देता है तो उस कंपनी को सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के जितने भी कोड्स, वो कोड जिनके लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए वो सारे कोड्स इलाट किए जाते हैं। मैं आप लोगों को समझा स्क्रीन पे लेके जाने से पहले थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप लोग इसी तरीके से समझ सकें। जैसा एक कि अगर हम फर्ज करते हैं कि एक सिविल इंजीनियर है वो किसी कंपनी में अटैचमेंट देता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देता है, वो फ्रेश इंजीनियर है, हम ये कंसिडर कर लेते हैं, तो उसको सिर्फ उस कंपनी को सिर्फ वो बिल्डिंग स्पेशलाइजेशन कोड्स इलाट किए जाते हैं, अवार्ड किए जाते हैं सर्टिफिकेट पे जो सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स जिनके लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो ये जब मैं स्क्रीन की तरफ जाऊंगा तब आप लोगों को सही तरीके से समझ लगेगी, हम बहुत जल्द स्क्रीन की तरफ जाएंगे। लेकिन कोई भी इंजीनियर जिसके पास सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट है उसको वो सारे जो है ना कोर्स अलाट किए जाते हैं, सिविल के भी, इलेक्ट्रिकल के भी और मैकेनिकल के भी, इन तीनों डिसिप्लिन के कोड अलाट किए जाते हैं और वो कोड अलाट किए जाते हैं जिनके लिए जो है ना एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो शायद आप लोगों को ये चीज़ समझ ना आ रही हो इसलिए स्क्रीन की तरफ जाना ज़रूरी है। तो स्क्रीन की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, सुपरविजन सर्टिफिकेट को मजीद एक्सप्लेन करने से पहले, उसको स्क्रीन पे लाने से पहले, मतलब उसको तो हम डीपली भी नेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो कुछ मैं ऑलरेडी जो है ना डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोगों को बता चुका हूँ, तो उसको जो है ना समझाने के लिए यहाँ स्क्रीन पे मैं आप लोगों को अहम चीजें दिखा रहा हूँ, जिस बेसिकली जो पर्पज है सुपरविजन सर्टिफिकेट का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन कोड्स है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिसको पास सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट नहीं होता वो जिस भी कंपनी या फिर्म को रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो भी इंजीनियर देता है उसको सिर्फ वो कोड अलाट किए जाते हैं जिसकी इंजीनियरिंग जो डिसिप्लिन है। जो सिविल इंजीनियर है उसको सिविल इंजीनियर के कोड अलाट किए जाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोड अलाट किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के कोड अलाट किए जाते हैं। लेकिन जिसके पास जो है ना सुपरविजन सर्टिफिकेट हो उसको इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों डिसिप्लिन के कोड अलाट किए जाते हैं, वो कोड अलाट किए जाते हैं जिनके लिए एक्सपीरियंस जो है ना रिक्वायर्ड ना हो। तो यहाँ मैं आप लोगों को जो कुछ कुछ समझाना मकसूद है वो मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन कोड है, ये डॉक्यूमेंट आप कैसे देख सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को एंड पे बताऊंगा। तो अभी आप देख सकते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के कोड हैं वो हमारे पास लिस्ट है। जो सिविल इंजीनियर के कोड होते हैं उसके उस कोड में क्या लिखा हुआ होता है, सी सी मतलब सिविल इंजीनियरिंग। ओके, ये आप देख सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सिविल इंजीनियरिंग है और इसके लिए डिस्क्रिप्शन है, स्पेशलाइजेशन कोड है। यहाँ एक्सपीरियंस में आप देखेंगे यहाँ नॉट रिक्वायर्ड लिखा, मतलब इसके लिए जो है ना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अब जिसके पास सुपरविजन सर्टिफिकेट है वो जिस मर्जी डिसिप्लिन का हो, वो जिस भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन देगा तो उसको सिविल के वो सारे कोड अलाट किए जाते हैं जिसके लिए एक्सपीरियंस ना चाहिए हो। तो अगर हम CE02 की बात करें तो उस पर क्या लिखा है, इधर फिर्म एक्सपीरियंस सपोर्टेड विद वर्क। मतलब कहने का यह है कि अब CE02 के लिए इंजीनियर की एक्सपीरियंस या फिर्म की जो एक्सपीरियंस है वो रिलेटेड एक्सपीरियंस होना लाजमी है। तो सुपरविजन सर्टिफिकेट
को सुपरविजन सर्टिफिकेट वाले को ये कोर्स इलेक्ट नहीं किया जाता। सेम इसी तरह अगर हम CE3 देखें, इसमें भी हमें जो है ना एक्सपीरियंस चाहिए, CU4 के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन अभी आप मूव करते जाएं, आप देखें CE08 के लिए एक्सपीरियंस में नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, तो ये कोर्ट भी सुपरविजन वाले को अलॉट किया जाता है। CE09 भी उसको अलॉट किया जाता है, CE10 के लिए भी रिक्वायर्ड नहीं है। सेम इसी तरह जब सिविल के खत्म हो जाएं तो BC बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को कहते हैं, तो ये BC01 भी इसको अलॉट किया जाता है। सेम इसी तरह BC03 के लिए देखें, यहाँ कहते हैं कि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो ME01 मैकेनिकल के कोड हैं, वो ये भी इसको अलर्ट किया जाता है नॉट रिक्वायर्ड। ME02 इस पे भी लिखा हुआ है नॉट रिक्वायर्ड, और ME04 यहाँ भी लिखा हुआ है नॉट रिक्वायर्ड। मतलब इस लिस्ट में जितने भी जो स्पेशलाइजेशन कोड्स के सामने एक्सपीरियंस में नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ वो सारे कोड्स अलर्ट किए जाते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी इस बात की तो समझ आई होगी कि बिल्डिंग स्पेशल बेसिकली जो है ना फिल्म रजिस्ट्रेशन में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में जो सबसे अहम बात होती है वो स्पेशलाइजेशन कोड्स की बात होती है कि जिस भी फर्म या कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है उसको कौन से स्पेशलाइजेशन कोड्स अलॉट करती है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। तो जो बात मैंने आप लोगों को पहले की है तो ऑलरेडी वो बात आप समझ चुके हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसको अगर आप खुद भी देखना चाहें तो सबसे पहले आप क्या करें, आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट पर जाएं। आप फिर आप जो है ना पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट पर जाने के बाद आप जो है ना डाउनलोड्स पे क्लिक करें। डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो फायर कंस्ट्रक्टर ऑपरेटर्स है, आप डाउनलोड कंस्ट्रक्टर ऑपरेटर्स रीडिजाइन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप जो है कंस्ट्रक्टर फॉर्म्स या जो भी आप यहाँ आगे जाके यस या नो पे जो भी क्लिक करें ये आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है ना बेसिकली जो पर्पज है वो जो स्पेशलाइजेशन कोड अगर आप देखना चाहते हैं, कोई भी जो है ना फॉर्म आप ओपन करके इसके लास्ट में आपको लिस्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन कोड की जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप देख सकते हैं, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अभी हम चलते हैं, अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लेके जाऊंगा जो सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट है बेसिकली उस पर क्या चीजें लिखी हुई हैं जो अभी तक मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, ताकि आप सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट में आप लोगों को दिखा सकूं, ताकि जो कुछ मैं अभी तक समझा चुका हूं, बता चुका हूं, उसकी इंडोर्समेंट हो, आप लोगों को डीपली मेरी बातें समझ आए। नेक्स्ट मिलते हैं अच्छी वीडियो, सॉरी नेक्स्ट मिलते हैं अभी नेक्स्ट स्क्रीन पे। थैंक यू जी। अभी हम स्क्रीन पे आ चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और जो है ना जो कुछ मैं अभी तक एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो उस चीज को समझने के लिए, उस चीज की इंडोर्समेंट के लिए मैं आप लोगों को स्क्रीन पे सबसे पहले सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट PEC सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट दिखाना चाहूंगा, ताकि जो कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसकी इंडोर्समेंट भी हो और ताकि वो आप समझ भी सकें सही तरीके से। जिसको भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट अलाट किया जाता है तो उसको जो चीजें लिखी हुई होती हैं उसको समझना सबसे ज्यादा अहम होता है। इंजीनियर जो भी है, मैं यहाँ फॉर एग्जांपल कहता हूँ इंजीनियर ABC हैविंग CNIC नंबर रेजिडेंट ऑफ फिलाना इस्लामाबाद इज एलिजिबल टू वर्क एंड सुपरवाइज कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन वर्क्स रिलेटेड टू सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिसिप्लिन ETC awarded to firms registered with PEC during the validity period of this certificate to gain experience of construction industry related to projects works। तो यहाँ भी समझने वाली बात है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जिसको ये सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट अलॉट किया गया है अब वो एलिजिबल है कि किसी भी फर्म को वो रजिस्ट्रेशन देगा जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से फर्म रजिस्टर्ड हो। तो ये इंजीनियर जिसको ये सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट अलॉट किया गया है उसको हम ये अलाउ करते हैं कि वो सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिसिप्लिन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के हैं चाहे वो ऑपरेशन वर्क के हैं, वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से इसको इजाजत है कि वो सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स की सुपरविजन करे, ताकि वो जो है ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस गेन कर सके। अब जो समझने वाली बात है, आप यहां देख सकते हैं कि ये जो सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट जिसको अलॉट किया गया है ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। अब एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सिविल के प्रोजेक्ट्स की भी सुपरविजन कर सकता है, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स के भी जो है ना सुपरविजन कर सकता है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट के भी सुपरविजन कर सकता है। अब आप लोगों को मेरी बात की समझ आ गई होगी कि अगर ये इंजीनियर या कोई भी और इंजीनियर, जाहिर बात है हर साल सिर्फ 20,000 जो है ना सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट अवार्ड किए जाते हैं, और जिनको नहीं मिलता तो वो जब भी किसी
फर्म या कंपनी को रजिस्ट्रेशन देते हैं अपने जो है ना पीसी रजिस्ट्रेशन के थ्रू, वो जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देते हैं उसको सिर्फ वो सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है जो उसकी डिसिप्लिन है। अब जो अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उसको सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट अलाट नहीं हुआ, अवार्ड नहीं हुआ, तो वो जब भी रजिस्ट्रेशन देता है किसी भी कंपनी को तो उसको सिर्फ जो है ना इलेक्ट्रिकल के ही बिल्डिंग स्पेशलाइजेशन कोड अलाट किए जाते हैं। अगर सिविल इंजीनियर होगा तो उसको सिविल के जो है ना स्पेशलाइजेशन कोड अलाट किए जाते हैं, अगर मैकेनिकल का होगा तो उसको सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स अलाट किए जाते हैं। लेकिन जिसके पास ये सर्टिफिकेट ऑफ सुपरविजन है, चाहे वो जिस मर्जी डिसिप्लिन का है, वो इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, ओशन इंजीनियरिंग है उसकी डिसिप्लिन, या एवियोनिक्स इंजीनियरिंग है, या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, जिसको ये सर्टिफिकेट अलाट किया जाता है वो सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट की सुपरविजन कर सकता है। वो जिस भी कंपनी को जो है ना रजिस्ट्रेशन देगा तो वो इंजीनियर वो कंपनी सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के जो है ना कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले पाएगा, और वो इंजीनियर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से उसको अलाउ है कि आप सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के जो प्रोजेक्ट्स हैं आप उनकी सुपरविजन कर सकते हो। बेसिकली इसका जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो इंजीनियर जो रिसेंटली पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हुए, जो लास्ट 2 ईयर में रजिस्टर्ड हुए, जिनको जो है ना अभी तक जॉब नहीं मिली, तो उनको सुपरविजन सर्टिफिकेट फर्स्ट कम बेसिस पे जो है ना अलाट किए जाते हैं। मैं आप लोगों को अगेन एक चीज रिपीट कर दूं, अगर शायद मैंने ना बताया हो पहले, कि हर साल पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल तकरीबन 20,000 सुपरविजन सर्टिफिकेट अवार्ड करता है। सिर्फ उनको अवार्ड किए जाते हैं फर्स्ट कम बेसिस पे जो अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही वो अप्लाई करते हैं, जो भी इंजीनियर अप्लाई करते हैं 20,000 सुपरविजन सर्टिफिकेट की जब लिमिट खत्म हो जाती है तो नेक्स्ट जो कोई भी अप्लाई करेगा वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट कम बेसिस पे जो 20,000 सुपरविजन सर्टिफिकेट अलाट किए जाते हैं तो वो इंजीनियर को जो है ना जो सुपरविजन सर्टिफिकेट है जो उनके एड्रेस पे भेज दिए जाते हैं, और वो अपने सुपरविजन सर्टिफिकेट के थ्रू जिस भी कंपनी को अटैचमेंट देते हैं तो वो सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के जो है ना जो स्पेशलाइजेशन कोड हैं उस कंपनी को अलाट किए जाते हैं, और वो इंजीनियर इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स को या प्रोजेक्ट्स को सुपरविजन के लिए जो है ना वो एलिजिबल है पाकिस्तान इंजीनियर।